हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका जो वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेके। ठीक है, अभी मुझे सबसे पहले तो आई होप आप लोग सब घर पे होंगे, सेफ होंगे और सेफ रहो भी। थोड़ा सा टाइम क्रूशियल चल रहा है तो इस टाइम पे हमको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। करेक्ट, तो ऐसा ध्यान में रखते हुए कि आप लोग सेफ हो, चलो कुछ एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। आप बताओ अभी घर पे आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर कैसे हो पा रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना ये कि मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे करें। तो मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आई नो परेशान तो बहुत होगी क्योंकि यार इस समय पार्लर सारे बंद हैं और क्या है घर पे इतना काम, पहले से काम सबको ज्यादा होने लगा है। हमको क्या होता है हमारे हाथों और पैरों की केयर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आई यू नो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं ही ऐसा फेस कर रही हूँ या आप लोग भी ऐसा फेस कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ना एक बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो ना आप बस 30 मिनट के लिए आपको वीकेंड पे उसको टाइम देना है उस प्रोडक्ट के साथ और आपका जो यू नो मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों ही हो जाएगा। तो बिना यू नो टाइम वेस्ट किए आई जस्ट लेट यू नो कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो दिस इज VLCC पेडिक्योर मैनिक्योर हैंड एंड फुट केयर क्रीम। ये बहुत बढ़िया कॉम्बो है। ठीक है, इसमें हम इस प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है 500 रुपीज एंड जहां तक कि मतलब जितना क्वांटिटी है आराम से दो बार तो चल ही जाएगा मिनिमम। अगर आप हाथ और पैर दोनों में यूज करते हो तो दो बार मिनिमम चलेगा, तीन से चार बार मैक्सिमम चलेगा। ओके, तो 500 रुपए में चार बार अगर आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है तो इट इज वेरी वेरी गुड डील। तो बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। मैं एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी और उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। दिस इज पेडी ग्लो हैंड एंड फुट क्लींजर और विथ सोपनट एंड मार्गोजा एक्सट्रैक्ट। ओके, तो बेसिकली ये क्लींजर है। अभी क्या करना है आपको, इस क्लींजर को कोई एक बकेट लेनी है। बकेट में आपको कम से कम हाफ बकेट पानी लेना है उसमें, और वो भी ल्यूकवॉर्म वाटर होना चाहिए। लाइक थोड़ा सा गरम, थोड़ा ज्यादा गरम हो, ल्यूकवॉर्म से हल्का ज्यादा गरम। ठीक है, आपको क्या करना है इस क्लींजर को बकेट में डालना है और 15 से 20 मिनट्स तक अपने पैरों को और हाथों को सोक करके रखना है उसमें। ओके, ये क्या होगा ना, बेसिकली क्लीन कर देगा, क्लींसिंग का काम करेगा, जो भी डर्ट और क्या कहते हैं डेड स्किन होगी वो हम कह सकते हैं कि फूल जाएगी। उसके बाद हम जब रब करेंगे, स्क्रब करेंगे तो वो आराम से रिमूव हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो मार्गोजा जो एक्सट्रैक्ट होता है, अगर आपको कुछ उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है पैर में या कुछ ऐसी चीज है तो उसको भी हील करने में हेल्प करता है। तो पहला काम ये रहा ये। तो आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने पैरों को सोक करके रखिएगा, उसके बाद एक टॉवल से उसको क्लीन कर लेना है। लेट्स मूव टूवर्ड सेकेंड। नाउ आफ्टर क्लींजिंग योर, कंप्लीटली ड्राई कर लेना अपने हाथों और पैरों को, उसके बाद हम यूज करेंगे दिस वन। ओके, दिस इज क्यूटिकल ऑयल विथ यू नो एलमंड ऑयल। इन दिस वी हैव एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल का हमको पता होता है कि बहुत नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर हमारी कोई स्किन डेड हो गई तो रिजनोवेट करने के लिए उसको हम एलमंड ऑयल को यूज करते हैं। तो अगर आपके क्यूटिकल्स, बेसिकली क्यूटिकल्स ये होता है, ये अगर आप देख सके, ये पोर्शन जो होता है जहां पे हमारे नेल्स और हमारा स्किन जो होता है वो अटैच होता है उसे क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो बेसिकली सेम इन हैंड एंड लेग बोथ हमें क्या करना है कि एक जेनरस अमाउंट लेके वहां पे मसाज करना है। मसाज करना है आपको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में आप इसको कंटिन्यूअसली मसाज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको डैम्प यू नो हॉट टॉवल से इसको क्लीन करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप की मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप के लिए हमें ये क्रीम यूज करनी है। दिस इज पेडी ग्लो हैंड एंड फुट स्क्रब। इसका अगर मैं फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इट हैज वॉलनट शेल पाउडर, लेमन ग्रास ऑयल एंड फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरिन,
तो आप समझ सकते हैं फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मतलब मेथी का एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा वॉलनट है जिसके कारण ये नेचुरल स्क्रबर होता है वॉलनट, जिसके कारण ये बहुत हार्श नहीं होता है, प्लस लेमन ग्रास ऑयल है तो स्क्रबिंग के साथ साथ नरिशिंग भी होगी, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको लेने के बाद आपको स्क्रब करना है अपने पैरों पे, हाथों पे, दोनों जगह, और 5 से 10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपको गीले तौलिए से इसको पोंछ देना है, तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जो फोर्थ स्टेप के लिए हमें यूज करना है, इट्स कोकोआ बटर हैंड एंड फुट क्रीम। बेसिकली ये क्रीम जो है, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें नीम बार्क है, लोथरा बार्क है, वीट टर्म है एंड कोकोआ बटर है, ऑल हैव नरिशिंग प्रॉपर्टीज। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जेनरस अमाउंट लेंगे, हम अपने हाथों और पैरों पर मसाज करेंगे प्रॉपरली। आपको 10 मिनट तक मसाज करना है, तो 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको एक डैम्प वार्म टॉवल लेनी है, उससे उसको क्लीन कर लेना है। पर 10 मिनट तक प्रॉपरली मसाज करिएगा, बहुत हार्श हैंड से नहीं, बहुत लाइट हैंड से, बट प्रॉपरली उंगलियों में हर जगह इसको मसाज करना है, ओके? उसके बाद आप इसको क्लीन कर दीजिएगा। तो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर यू नो एट द एज ऑफ कंप्लीटिंग आवर मैनिक्योर पेडिक्योर। तो लास्ट स्टेप के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस एंटी टैन पैक। दिस इज ऑरेंज एंटी टैन पैक, उस नाम से ही पता लगता है कि इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है एंड विटामिन ई है, जो कि एनीवेज हमें पता है कि अगर पिगमेंटेशन होता है या डिस्कलरेशन या टैनिंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो होती है तो ऑरेंज और विटामिन इन बहुत हेल्पफुल होते हैं ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। तो इसके एक्सट्रैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। अब हमको इसको यूज़ कैसे करना है, हमें क्या करना है कि एक अच्छा अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट जिस जो हमारे हाथों और पैरों पे यू नो डिस्ट्रीब्यूट हो सके प्रॉपरली, ऐसा लेना है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, पता है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप हल्का सा इसमें मतलब इसमें वाटरी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं इसकी क्रीम की, और उसको थोड़ा सा पूरे अच्छे से फैला सकते हैं हाथ और पैरों में, क्योंकि एनीवेज हम घर पे हैं, बहुत ज्यादा टैनिंग तो होगी नहीं, बट स्टिल इट इज बेनिफिशियल इन टैनिंग, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 20 मिनट इसको रखना है, 20 मिनट रखने के बाद आपको कॉटन के टॉवल से नॉर्मली इसको वाइप ऑफ कर देना है, और यहाँ हमारी कंप्लीट मैनिक्योर पेडिक्योर की प्रोसेस खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या करिएगा, एक दिन तक आप उसके बाद वॉश नहीं करिएगा, तो ट्राई करिए कि आप वीकेंड में ना शाम को ही ये प्रोसेस करो, ताकि पूरा क्लीन करने के बाद यू जस्ट गो टू योर बेड, क्लीन करने के बाद प्रॉपरली बस सो जाओ, अगले दिन फिर आप अपने हाथ और पैर वॉश कर सकते हो, क्योंकि एक दिन उन प्रोडक्ट को थोड़ा सा जो अंदर स्किन के गए हैं, अगर आप इसके बाद उसमें यू नो कुछ साबुन या ये सब लगा के वॉश कर लोगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज माइट यू कैन यू नो कुछ लॉस हो सकती है, तो इसलिए वॉश नहीं करना है, ऐसे करके रखना है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस प्रोडक्ट डज वर्क्स, ओके? मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम इसको ले रही हूं, मैंने इससे पहले भी इसको एक बार लिया है, क्योंकि मैं ज्यादा मैनीक्योर पेडिक्योर पार्लर में जाके नहीं करवाती हूँ, आई बिलीव इन डूइंग इट इन होम, तो मैं घर पे ही करती हूँ, आई हैव अ किट जो कि मैं यूज करती हूँ। अगर मेरे पैर यू नो इफ यू पीपल आर फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम यू कुड हैव नोन दैट कि मेरे को लिगामेंट इंजरी हुआ है, अगर वो मेरा पैर सही होता तो मैं आपको जरूर बताती, डिटेल्ड वीडियो बनाती कि हाउ टू यूज दिस किट, ओके? अगर आपको जानना है स्टिल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यू वॉन्ट टू यूज एंड यू नो कि करेक्ट मेथड क्या होता है मैनिक्योर पेडिक्योर घर पे करने का, क्योंकि फ्रॉम लॉन्गेस्ट टाइम आई एम डूइंग दिस एट होम, तो मुझे जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो विथ यू। एंड यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।